हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रियास कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने नॉनस्टिक तवा के बारे में, जो कि बहुत ख़राब हो चुका है। और मैंने इसके बदले में ऐसा कौन सा तवा मंगाया है जो मुझे लगा कि ये वीडियो आपसे शेयर करना चाहिए। तो ये देखिए, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था, ये कास्ट आयरन का तवा है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुझे ये बहुत ही यूजफुल लगा और हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है कास्ट आयरन, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो चलिए मैं इसको दिखा रही हूँ आपको। ये थोड़ा हैवी है, मेरे ख्याल से लगभग 1 किलो के लगभग इसका वज़न तो होगा ही, मगर ठीक है, नॉनस्टिक बर्तन हल्के होते हैं और वो नुकसानदायक भी होते हैं, तो इतना कम्प्रोमाइज़ चलता है। तो इस पर लिखा हुआ है कि तवा प्री सीजनिंग किया हुआ है, मगर फिर भी इसको एक बार करना ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें इसे यूज करना है। मार्केट में फ्लिपकार्ट पर ये तवा 300 से 3000 तक अवेलेबल है। नॉर्मल मार्केट में ये मिलता है यानी मुझे नहीं पता, मैंने इसको ऑनलाइन ही मंगाया था। अब इसे मैं नॉर्मल पानी से वॉश कर लूँगी। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, आपको बताया जाता होगा कि कास्ट आयरन की मेंटेनेंस काफ़ी टफ है, इसको हमेशा इसकी सीजनिंग करनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इससे पहले भी एक कढ़ाई यूज कर रही हूँ और मैं भी कुछ देर बाद इसको आपको शो करूँगी कि कास्ट आयरन की मेंटेनेंस इतनी हार्ड नहीं है जितनी बताई जाती है। अगर उस तरीके से आप सोचेंगे तो फिर आपको कास्ट आयरन का बर्तन यूज करने में प्रॉब्लम होगी और सोचना पड़ेगा कि यूज करें या ना करें। तो इसे मैंने नॉर्मल साबुन से वॉश कर लिया है। अब ये देखिए, नॉर्मल पानी से इसे मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से सुखा लूंगी किसी कपड़े से। नॉनस्टिक बर्तन हम सभी अपने किचन में यूज करते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत कम ऑयल में खाना बन जाता है, मगर हमें ये पता नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म करने पर इसमें से कुछ हार्मफुल रसायन निकलते हैं जिसका हमारे हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और नई नई बीमारियों को जन्म ला देता है। तो ये देखिए, मैंने इसे सुखा लिया था, अब इसे मैं फ्लेम पे रख के और सुखा लूँगी क्योंकि इस पर हमें अभी ऑयल अप्लाई करना है। तो ये सूख चुका है और मैं इस पर ऑयल लगा रही हूँ, बहुत अच्छे से ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के टिश्यू पेपर से इसको सुखा लेना है। बहुत ही अच्छे से दोनों साइड आपको ऑयल लगा लेना है और फिर इसके बाद इसको गैस पे 10 मिनट के लिए रखना है। ये सीजनिंग का जो प्रोसेस मैं केवल एक बार करूंगी। आपको बताया जाता होगा कि कास्ट आयरन की मेंटेनेंस के लिए हर 15-20 दिन पे सीजनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स। मैं जो बर्तन यूज करती हूँ, मैं सीजनिंग का प्रोसेस नहीं करती और न ही मैं इस पर करूँगी। आगे भी जब वीडियो बनेंगे तो आप देखेंगे मैं इसे किस तरीके से यूज करूँगी। तो आपको बिल्कुल भी ये घबराने की ज़रूरत नहीं कि कास्ट आयरन की मेंटेनेंस बहुत टफ है। अब इसे मैंने फ्लेम पे रख दिया है 10 मिनट के लिए ताकि इसका ऑयल बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे रखने के बाद मैं इसे ठंडा कर दूंगी। तो ये देखिए, 10 मिनट हो रहे हैं। ये मेरे कास्ट आयरन की कढ़ाई जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था, मैं इसे पिछले 8 साल से यूज कर रही हूँ। डेली इंडक्शन पे भी यूज करती हूँ, गैस पे भी यूज करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। और इसके लिए मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं किया, ना एक्स्ट्रा साबुन से वॉश किया अलग से, ना इसकी सीजनिंग की। इसका थोड़ा सा स्क्रैच पड़ा हुआ है, वो चलाने से चम्मच की वजह से पड़ गया है। और बहुत ही कम तेल में इसकी भुजिया सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत अच्छे से इसमें सब्जी बन जाती है, फ्राई करने के लिए, सब्जी के लिए, हर तरह से ये बढ़िया है। और तवे को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था और इसे मैं एक बार और अच्छे से पोंछ दे रही हूँ कि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। वैसे तो ये पहले ही 10 मिनट हमने इसे गैस पे रख दिया था और ऑयल बहुत अच्छे से तवे पे एब्जॉर्ब हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस तवे मुझे एक ही प्रॉब्लम लग रही है कि इसका हैंडल छोटा सा दिया हुआ है और एक साइड से है, तो थोड़ा सा उठाने में और रखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिए, अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं आपको कुछ बना के दिखाती हूँ। तो मैंने लिया है आटे प्याज टमाटर का घोल, उसमें नमक जीरा डाल करके, हरी मिर्च डाल के इसे मैं तवे पे सेक के ट्राई कर रही हूँ। इसके पहले इसी तवे पे मैंने मीठा चीला बनाया था। कहा जाता है कोई भी बर्तन स्टार्ट करने से पहले, यूज करने से पहले मीठी चीज़ से शुरुआत करते हैं। तो मीठा चीला बना करके अब मैंने इस पर नमक वाला आटे प्याज टमाटर का ये घोल डाला है, इसको नमकीन चीला बोलते हैं हम लोग। ये देखिए, बहुत आराम से ये
निकल जा रहा है, जैसे नॉनस्टिक पे यूज होता है वैसे ही। ये देखिए, और अच्छा सीख गया है, बहुत ज़्यादा तेल लगाने की भी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी है। कुछ दिन बाद मैंने डोसा बनाया, मैंने इसका भी वीडियो बना लिया था कि ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। डोसे के घोल को मैंने इसे कटोरी से फैला दिया था और देखते हैं ये कैसा बन रहा है। ऐसे तो नॉन स्टिक तवा पर डोसा अच्छा बन जाता है मेरा, लेकिन पता नहीं इस पर कैसा बनेगा। मगर कहते हैं ना, सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, तो चलिए ऐसा है। ये देखिए, ये रेडी हो चुका है और इतना बुरा भी नहीं बना है जब स्टार्टिंग का है। तो तवा जितना और अच्छा हम लोग यूज करेंगे, उतना ही नॉन स्टिक की तरह बनेगा, क्योंकि इसका मेरा एक्सपीरियंस है कढ़ाई वाला। ये रेडी है। अब दूसरे तरीके से मैं भी एक बार एक और डोसा डाल के देखती हूँ। इसे मैंने ऐसे कलछुल से ही फैला दिया है। और इस तवे को मैं केवल डोसा के लिए ही नहीं यूज करूंगी, आलू की टिक्की, ब्रेड वगैरह सब कुछ भी सेकूंगी, जैसे मैं नॉनस्टिक तवा अपना यूज करती थी। ये भी देखिए, अच्छे से छूट जा रहा है, निकल जा रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दिन पर दिन ये तवा और अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से। और ये देखिए, ऐसा बन गया। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, कास्ट आयरन के बर्तनों की देखभाल इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि आपको बताया जाता है, जितना आप जानते हैं। ये बिल्कुल आप नॉर्मल बर्तन की तरह यूज कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।